Mumbai Indians banaam Kolkata Knight Riders. Mumbai abhi 9 number par hai. Kolkata 4
चलवा चल रहा है ये दबान हो या करता कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार रफर आता है सिकंदर रजा स्ट्राइक पर। नहीं ये वाइट गेंद है, अब 1927 किंग्स इलेवन की जान ना सिकंदर रजा के हाथ में। मुझे लग रहा है अगर वो नॉट आउट रहेंगे तो यहाँ से जीत सकते हैं, अगर एक आध और विकेट जाता है सिकंदर रजा का तो ये गेम फंसेगा, वापस वो मुड़ेगा। पंजाब किंग्स की जान, पंजाब के इसकी जान ये मैच का रोमांच तो अभी हाल में बन गया पूरी तरीके से। देखना होगा ये क्या हो गया, नहीं बिल्कुल बिल्कुल चौका हो गया ये, और ये पैनिक की पावर भी थी और चौके के साथ ये ओवर के हिसाब के 137 रन। कभी बिश्नोई रन का चांस नहीं, अगर वहाँ इंटरेस्टिंग ये डिसीजन है क्योंकि शाहरुख खान सामने स्पिन आ जाए गीली गेंद के साथ, डिसीजन को इस विकेट गिर सकता है इसमें कोई बात नहीं, पर डिसीजन कैसा बिश्नोई को इतना लेट गेंदबाजी कराया, वो डिसीजन भी खराब ही था। अपील हो रही है यहाँ पर, हो सकता है जरूर भी देखिए भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। टीवी एम्पायर टू डायरेक्टर, वी हैव अ प्लेयर सीवी फॉर पॉट बिहाइंड, original decision is not out, it's a fair delivery, can we move on with front door speed vision please. Ball seems to have missed the bat, can we have a try to check please. शाहरुख है तो चाहेंगे कि क्लाइमैक्स अच्छा हो,
पब्लिक एंड में सीटियां बजाए वही तो चाहते हैं। क्लाइमेक्स तो सुपर ओवर में सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तभी तो आप कह रहे हैं कि भाई तो आपने बिश्नोई को पहले दो ओवर क्यों नहीं कराया? पीछे फील्ड है, पीछे फील्ड है। और यहाँ पर तो सेट बैट्समैन सिकंदर रजा था और यह कैच पाकिस्तान का, क्या ये ट्विस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं? और भी दुश्मन का छुपा के रखा था इनको। अच्छी तारीख सिकंदर रजा की सफा नंबर पंजाब के 149 के साथ साहब के लिए भी अच्छी बैटिंग करते हैं। नेक्स्ट ओवर ये मार्क गुड का होना चाहिए, राइट? अब 12 में चाहिए 20, 12 में 20 बस टीम के हाथ में मार्क गुड एक तरफ से, बाद में आवेश खान आएंगे। रवि बिश्नोई ने इस मैच में जान झोंक दी है, कोई ओवर डाले वही तो मैं सोच रहा हूँ, मैं विचार से आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ आकाश अगर सबको बताऊँ ना, क्योंकि आपके पास मेन बॉलर है और अगर वो 20 ओवर नहीं करेंगे तो फिर दो ही ओवर करेंगे इस मैच में, तो गेंदबाज आज उनको चार ओवर कराना पसंद करोगे, कराना चाहिए भी हमेशा। किस तरीके से की ये जरूर इसके ऊपर सोच विचार होना चाहिए और उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि देर और गेयर के बीच में ये बातचीत जरूर होगी, तो आप किस तरीके से गेम को देख रहे हो, किस तरीके से आपको सोचना भी चाहिए। देखो के गौतम ने जब पहले ओवर में विकेट लिया उसके बाद वो आपको छक्के निकल चुके, थोड़ी देर आप चुके रोक भी सकते हैं, जो आपके मेन गेंदबाज है वो आके क्या कर सकते हैं वो आपको देखना चाहिए। अगर उनका दिन खराब है फिर आप गौतम की तरफ गए तो मैं समझ सकता हूँ। वाइड गेंद देखिए, वो आवेश के ओवर में एक आखिरी गेंद वाइड थी, फिर अगली में चौका लगा था, 5 रन आ गए थे। इस रन पर सिकंदर रजा आउट हुए रवि बिश्नोई की गेंद पर, मार्कस स्टॉइनिस ने पकड़ा कैच। थोड़ी देर जो जैक ने कहा उसको मैं 2-3 बॉल में चुप रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या हो सकता है कि क्यों नहीं लाए रवि बिश्नोई को गेंदबाजी के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाईलाइट के लिए बचा कर रखा था उन्होंने, बाकी तो कोई तोड़ निकलता है नहीं कि क्यों गेंदबाजी कराने नहीं लाए हमने। ये भी इनवैलिड है, 404 एंटी नॉट फाउंड। 11 में 18 ये वाइड गेंद थी, शाहरुख खान को आगे तो डालो मत, वैसे एक गेंद आगे डाली थी सामने स्टैंड में मारा था, डालू को अगर डाल लिया तो शॉट डालो, पक्की में डालो, तेज डालो, दिखा वाला बाउंसर, कान के पास वाला बाउंसर, नहीं ऑन साइड तो अच्छी है। तभी ये ऑफ स्टंप से लेके मिडिल स्टंप लेग स्टंप उस तरफ की लाइन पे अच्छे खिलाड़ी है। ये भाग्य का साथ है, भाग्य का साथ बहादुर के नाम, बल्ला बहुत जोर से घुमाया था, यहाँ चाहते नहीं थे लेकिन जो चाहते थे वो मिला, छक्का। नेक्स्ट टाइम मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप इस तरफ की लाइन अगर इनको आप करोगे तो ये खेलना पसंद करते हैं और जाने ही वाले थे। और वो भी जोर है ऑफ स्टंप वाले, यहाँ पे अगर आप करोगे तो पिछले मैच में भी हमने देखा शॉर्ट पिच गेंद पर बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया था इन्होंने, इस बार जहाँ मारना चाहते थे वहाँ नहीं गया, लेकिन गुड की रफ्तार भी जोड़ लीजिए। टॉप पिच भी अक्सर हम देखते हैं ऐसे तेज गेंदबाज का सीमा रेखा पार ही जाता है।
या धोनी किनारा लगा था, 9 सेकंड पे थ्रो चाहिए, सटीक चाहिए था। और ये वो लाइन हुई थी जैक, और ये शाहरुख खान की थ्रो चुकी है पहली गेंद पे, लेंथ वर्क करी थी और लॉन्ग ग्राउंड के ऊपर, और यहाँ पर आपको भागदौड़ की गति ने थोड़ी हेल्प करी, लेकिन फिर भी बल्ला तो घुमाया था। लेकिन उसके बाद की गेंद जो बात कर रहे थे कि उनको ऑफ स्टंप के बाहर डालेंगे तो मुश्किल होती, और वहीं पे किया और वो कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं। यहाँ से जो मैच बनाएंगे पंजाब के लिए वो तो बल्लेबाज शाहरुख ही है, रात भी वैसे एक लगा सकते हैं। पिछले मैच की याद आ रही है मुझे भी, एक सामने भी छक्का लगाया था इन्होंने, जोशुआ लिटिल को एक बहुत अच्छा शॉट देखने मिला था, लाइन देखनी है उसको। व्हाट अ शॉट ऑफ विक्रांत ब्रांड साहब, ये छक्का, ये तो संदेश है बस, ये पंजाब किंग्स आज पंजाबी आगे कल वक्री, याद में चाहिए साथ। बढ़िया शॉट यहाँ पर, हाथ उड़ाए, हटे ने स्टंप छोड़ा और बाद की कोशिश थी वहां पर यॉर्कर डालने की, पता था कि यॉर्कर डालने के, लेकिन बस का फिंगर अंदर और बढ़िया टाइमिंग। पिछली गेम में भी कुछ इसी तरह से शुरुआत करी थी, लेकिन वो 6 रन थे, यहाँ पर अंडर प्रेशर बढ़िया एग्जीक्यूशन। सफलता चलिए अब साथ में साथ चाहिए, आसान सा कैच था, एक चौका लगा वो जरूर मायने रखता है। 6 रन बनाकर 4 गेंदों में फेवरेट बॉलर से 153 इन अ फील्ड। अभी बिश्नोई आया है क्योंकि शाहरुख खान स्पिन को नहीं मारते ऐसा बताया गया, फ्लैट पीछे फील्डर है जरूर, 1 रन मिलेगा आसानी से। डैनियल सैम्स 2 की मांग, नहीं बेहतर थ्रो चाहिए था, बेहतर थ्रो चाहिए था डैनियल सैम्स। अब 5 में 5 चाहिए, ये वो तारीफ करने में कबाड़ा था, बिल्कुल मैच के साथ चल रहे थे, मन बना गया था तो बहुत पब्लिक को आगे लगा नहीं था कि आ सकते यहाँ पर। अगर आप नजर डालोगे तो पता चलेगा रिप्ले में भी थोड़े से लेट हुए थे, तो कृष्णो ही आखिरी ओवर कर रहे हैं, ये दिलचस्प होगा। फ्लैट पीछे फील्डर, और नहीं एक और यहाँ मौका था, हाफ अ चांस, 2 रन यहाँ भी बन जाएंगे। अब 4 में 3 चाहिए, दोनों गेंदों पर ऐसा लगा कि विकेट मिल सकती है पर मिला नहीं है। ये कोशिश अच्छी थी यहाँ पर दीपक हुड्डा की, ओवर आखिरी डिसीजन होता है ना कि जब इतना फंसा हुआ है कि आपको चांस लेना है कि नहीं लेना है, तो वहां पर उन्होंने वो कैच पकड़ने की कोशिश करी, विकेट मिलेगी तो गेम जीत सकते हैं। ये फ्लैग शॉट है, इस बार तो चौका है, चौके छेद का। लेकिन जीत हुई है चेजी टीम की, शाहरुख खान की, ये शान ने दी है जायंट्स को मात, 2 विकेट से इस मुकाबले को जीत, 2 मैच की लगातार हार के सिलसिले को समाप्त किया पंजाब किंग्स ने। और आज खेल रहे थे उनके कप्तान के बिना, जो उनके सबसे सफल बल्लेबाज भी रहे, लेकिन बढ़िया फिनिश शाहरुख खान ने, पिछली गेम में भी बढ़िया पारी खेली थी और यहाँ आज भी एक नॉट आउट पारी खेली है जब जरूरत थी वहाँ पे, 2 बड़े प्रहार किए।
बड़ी बैच आउट पर मुंबई का पंजाब किंग्स